सेगांव विकास खंड में लंपी वायरस ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर किसानों के मन में डर का माहौल उत्पन्न हो गया है। चिंता का विषय यह है कि अभी तक क्षेत्र में 20 से अधिक केस आ चुके हैं, जिसमें विकास खंड के तिरक्यावाड़ी में 10 और जमोठी में 10 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 से 5 को प्राथमिक उपचार के बाद ठीक किया जा चुका है। किंतु आगे की स्थिति को देखते हुए पशु चिकित्सक डॉक्टर संजय मंडलोई ने बताया कि लंपी वायरस की स्थिति नियंत्रण में है, फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गोपालकों को अपनी अपनी गायों को झुंड में जाने और मच्छर मक्खियों से बचाने का प्रयास करें। यह वायरस भी संपर्क में आने वाली गायों को चपेट में ले सकता है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर, लंपी वायरस की क्या स्थिति अपने क्षेत्र में? सेगांव जैसे विकासखंड सेगांव की अगर बात करें अपन, तो लंपी वायरस जैसे कुछ गाँव में सस्पेक्टेड केस मिले हैं हमें, जैसे कि तिरक्यावाड़ी ग्राम में और जमोठी में कुछ सस्पेक्टेड केस मिले हैं, तो हमने उनका ट्रीटमेंट चालू करा है और वो थोड़ी सुधार की स्थिति में आ रहे हैं। वो और ज़्यादा कुछ अभी इतने ज़्यादा केस नहीं मिले आपको। जैसे तिरक्यावाड़ी की बात करें तो कुछ 8 से 9 केस और जमोठी में बात करें 10 से 11 केस अभी सस्पेक्टेड देखने को मिले हैं। कि उनमें जो सिम्टम जो लंपी वायरस के जो दिख रहे हैं, तो उनका हमने सिम्टोमेटिक इलाज भी चालू कर दिया है। लोगों को समझाइश भी दे दी है कि आप ये संक्रमित पशुओं को थोड़ा सा अस्वस्थ पशुओं से अलग कर दें और उनका चारा पानी वगैरह थोड़ा अलग कर दें, और ये जो मच्छर कीट इनकी जो बचाव से भी थोड़ी सी उनकी सुरक्षा करें, ताकि ये बीमारी दूसरे जानवरों में संक्रमण मतलब फैले ना। सर, ज़्यादा करके ये केस किन मामलों में देखने को मिल रहा है? ज़्यादातर ये गोवंश में ही देखने को मिल रहा है, और ज़्यादातर अभी तक जो देखने में आया है कि बैल और गाय में ही केस ज़्यादा देखने को मिले। सर, इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किस हिसाब से हो रहा है? इसका प्राइमरी सिम्टोमेटिक जो लक्षण दिख रहे हैं, उस लक्षणों के आधार पर इन पशुओं का इलाज किया जा रहा है। कि लक्षण में अगर एंटीबायोटिक दवाओं का और एंटी इंफ्लामेटरी और एलर्जी के हिसाब से दवाइयाँ इनको दी जा रही है। वैक्सीन का सर क्या है? वैक्सीन अभी तक तो इसका आया नहीं है, तो इसकी जगह पर गोट पॉक्स अगर वैक्सीन लग जाए तो उसको में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो हम लोगों को प्रेफर करें कि आप उस प्रकार गोट पॉक्स वैक्सीन लगवा लें। क्या नाम है? मैं डॉक्टर संजय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।